ग्लोबल आईएमई बैंक को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत में रत्नराज वज्राचार्य नियुक्त भएका छन्। बैंक को शुक्रवार बसेको संचालक समिति को बैठक ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत में वज्राचार्यलाई चार वर्ष का लागि नियुक्त गरेको हो। बैंकिंग क्षेत्र में अनुभवी बैंकर्स को रूप में परिचित वज्राचार्य नेपाल क्रेडिट एंड कमर्स एनसीसी बैंक में पहिलो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। एनसीसी बैंक र सनराइज बैंक में चार वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि वज्राचार्य ग्लोबल आईएमई बैंक को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। यसअघि जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक बीच बिग मर्जर को नेतृत्व गरिरहेको ग्लोबल आईएमई बैंक का तत्कालीन सीईओ परशुराम कुमार क्षेत्रले गत महीना राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि वज्राचार्यलाई चार वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वज्राचार्य नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी बैंकर्स हुन्। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।